जिन्होंने शादी में कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन किया उनकी शादी तो हो गई, लेकिन जिन्होंने प्रशासन को गच्चा देने की कोशिश की उनकी शामत आ गई। अगरतला से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक शादी हो रही थी, काफी ज्यादा भीड़ थी, अचानक से वहां पर पहुंच गए जिलाधिकारी, उसके बाद क्या कुछ हुआ आप खुद ही देखिए। मारो इसको। 10 PM, ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड, पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। अगरतला के इस मैरिज हॉल में शादी की अच्छी भली पार्टी चल रही थी, बैंड बाजा बारात की संगति बैठी हुई थी, लेकिन इसी बीच सिंघम की तरह पहुंच गए DM शैलेश यादव। शादी के समारोह में तय लोगों से ज्यादा भीड़ थी, नाइट कर्फ्यू था, फिर भी पार्टी देर रात तक चल रही थी। इसी बीच शैलेश यादव वहां पहुंचे थे। शादी में मौजूद बारातियों की भीड़ के साथ पुलिस वालों को देखा तो भड़क गए। पहले तो बैंड वालों को वहां से भगाया, कल मैं सस्पेंड करा रहा हूं। इसके बाद पुलिस वालों पर आफत टूट पड़ी, मौके पर मौजूद अफसर की फोटो खींची और पूरी क्लास लगा दी। बोलो, आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके, व्हाट इज योर नेम, कितने लोग इधर, काउंट करके बोलो। सर उसी उसी वेट को कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ, तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं, चलो वरना तुम ही जाओगे उसके साथ। चलो नहीं हूं मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो, आई एम योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके, व्हाट इज योर नेम, तुम ही जाओगे उसके साथ। DM शैलेश यादव तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने वर्दीधारी पुलिसकर्मी को टच किया, उनकी भाषा भी मर्यादा की सीमा को पार करने लगी। DM साहब के इस रौद्र रूप से पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। DM ने मौके से ही आला अधिकारियों से फोन पर बात की और इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की बात कही। मैं इधर थोड़ी देर पहले गया था, पुलिस गाड़ी यहाँ खड़ी थी, फिर भी ये सब यहाँ चल रहा है, इसका मतलब पुलिस इनके साथ मिली हुई है। Unfortunately, I have to recommend suspension, immediate suspension of West Agartala Police Station OC, because he is 100% undoubtedly hand in gloves with these people. कोरोना काल में शादी की बड़ी मुसीबत है। दूल्हे राजा कहां तो दुल्हन के साथ सात फेरों के सपने देख रहे थे और कहां पहुंच गए थाने। ये जालंधर की तस्वीरें हैं। 25 अप्रैल को शादी थी, उस दिन वीकली लॉकडाउन था। शादी में इजाजत थी सिर्फ 20 लोगों की, लेकिन पहुंच गए 100 से ज्यादा लोग। शादी की दावत उड़ाई जा रही थी, इतने में ही पुलिस पहुंच गई। फिर क्या था, बारातियों की पुलिस ने खबर ली और दूल्हे समेत तमाम लोगों को पुलिस थाने लेकर आ गई। दूल्हा बड़ी मासूमियत से बोला, उसे पता ही नहीं कहां से इतने लोग आ गए। 20 लोग ही हैं, बाकी आसपास के लोग यहाँ आए हुए हैं। ऊपर बंदे सर, अभी हम अंदर भी नहीं गए, हमें क्या पता है, मंदिर वाले तो थे ही नहीं, हमने एंटर भी नहीं किया है, पंडाल के आसपास के लोग हैं यहाँ के। कोरोना काल में शादी के लिए बिहार में भी नियम बनाए गए हैं। शादी में 100 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए और समारोह रात 9 बजे के बाद नहीं चलने चाहिए। लेकिन देखिए अररिया के फारबिसगंज के विधायक विद्यासागर के बेटे की शादी में किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ गई। शादी में 100 से ज्यादा बाराती थे, न तो मास्क का ख्याल था और न ही शादी में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई। अगरतला से प्रोबीर, जालंधर से परमजीत के साथ अमरिंद्र कुमार, अररिया आज तक। कोरोना की रफ्तार वैसे लगातार बेकाबू होती हुई चली जा रही है, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकले, और अगर बाहर भी निकले तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। हमारी इस पेशकश में अभी नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।